है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का जो मौजूदा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को लेकर ये सबसे वाजिब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार दोस्ती को कुर्बान क्यों करना चाहते हैं, और बीजेपी से निपटने का, बीजेपी को निपटाने का जो हथियार है, उन्होंने अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को बनाने की वजह अपनी पार्टी के या फिर अपने सहयोगी दल के कद्दावर नेताओं को क्यों बनाया है? नीतीश कुमार के हथियार ललन सिंह क्यों हैं जो जेडीयू के सांसद हैं? नीतीश कुमार के हथियार उपेंद्र कुशवाहा क्यों हैं जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं? और नीतीश कुमार के हथियार जीतनराम मांझी क्यों हैं जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव से इन पहले, विधानसभा चुनाव से इन पहले जिनकी एंट्री वाया जेडीयू एनडीए में हुई है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की जो खामोशी है और उनके जो करीबी नेता हैं वो जिस तरह से बीजेपी से भिड़ते लड़ते नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रहे हैं, एक नहीं कई मामले हैं, कितनी चर्चा की जाए, चाहे वो जीतनराम मांझी का बयान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच का टकराव हो, तमाम तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। सवाल यह है कि अगर ये दोस्ती कुर्बान हो रही है, अगर ये दोस्ती टूट रही है, बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती टूट रही है संजय जी, तो नीतीश कुमार अपनी दोस्ती को कुर्बान क्यों करना चाहते हैं? और बीजेपी से निपटने का, बीजेपी को निपटाने का हथियार उन्होंने जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को क्यों बनाया है? अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को साइलेंट क्यों कर दिया है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आपके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभिषेक जी, एनडीए लगातार जो भी दावा कर ले कि नहीं सब चीज ठीक है, लेकिन अब ठीक कुछ भी नहीं है। अब छोटे छोटे जो बात है उस बात से अब बड़ा मन होने लगा है। मांझी जी अब प्रश्न उठाने लगे हैं, केंद्र सरकार के जो भी है उस पर उठाते हैं, और नीतीश जी उस पर चुप्पी हैं। नीतीश की चुप्पी जब जब रही है तब तब एक बवंडर जैसा आया है बाद में, तो इससे लगता है कि अब एक और प्लान उनका हो सकता है कि अब देख रहे हैं कि अब जब 2024 का प्लान बना रहे हैं नीतीश जी, कि 2024 में हम अब उनका सपना है केंद्र में जाने का, प्रधानमंत्री बनने का भी सपना हो सकता है जैसा मेरा हमको लगता है। इसीलिए वो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अब मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा या ललन सिंह के माध्यम से कहवा रहे हैं लोग उनके सामने। संजय जी, क्या आप ये भी देख पा रहे हैं क्या कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी, बीजेपी ने वहां पूरी ताकत झोंक रखी थी, बावजूद इसके ममता बनर्जी ने वहां बीजेपी को शिकस्त दी और 100 से कम सीटों पर समेट दिया, तो कहीं अगर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, या फिर जिस तरह की बातें सामने आती हैं, ऐसे कयास लगते हैं कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है, हालांकि वो कहते जरूर रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो क्या आप ये देख रहे हैं, क्या इससे ये समझा जाए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को हवा मिली है, नीतीश कुमार को ये भरोसा हुआ है कि नहीं पीएम मोदी का जो करिश्मा है, पीएम मोदी के चेहरे का जादू है, वो कम हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर, गैर बीजेपी नेता के तौर पर, या फिर बीजेपी से टकराने वाले नेता के तौर पर ममता बनर्जी की तरह वो भी उभर सकते हैं और केंद्र की राजनीति में ज्यादा संभावनाएं अपने लिए देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार? बिल्कुल अभिषेक जी, नीतीश कुमार अगर पूरा जो हिंदुस्तान मानता है कि अगर मोदी के पैरलर में कोई अगर खड़ा हो सकता है तो नीतीश कुमार ही है, भले ही इस बार चुनाव ने साबित कर दिया कि ममता बनर्जी भी उनका सामना करने के लिए अनुकूल हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा ही माना गया है कि अगर कोई मोदी का जवाब दे सकते हैं या मोदी को कोई अगर टक्कर दे सकते हैं तो नीतीश कुमार ही, इनके अपनी नीतियों से उनको जाना जाता है। और एक सुनियोजित साजिश भी लगता है कि ये प्लान पहले से ही चल रहा है, एकाएक ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि दो तीन दिन से पहले बहुत करते थे, सबका समर्थन करते थे केंद्र की नीतियों का, मांझी जी या
जो इनके है उसमें रोहिणी आचार्य से भी टकराने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी बिल्कुल उनके खिलाफ में बात करने लगे हैं। तो एक एक साजिश के तहत ही ये पहले से चल रहा है और उसके नीतीश कुमार के समर्थन में वो आए हैं। एक आखिरी सवाल है संजय जी आपसे, इस डिबेट को खत्म करेंगे। बीजेपी जेडीयू के बीच का जो लगातार टकराव चल रहा है, एक नहीं कई चीजों को लेकर, अब जिस तरह से फैसला सामने आया कि बिहार सरकार के मंत्री परिभ्रमण नहीं करेंगे लॉकडाउन के दौरान, उसको लेकर भी बीजेपी के अंदर नाराजगी भी है, इसको लेकर भी अंदर खाने से कई तरह की खबरें सामने आ रही है। तो ये जो लगातार टकराव की स्थिति है, सब कुछ ठीक होने के आसार हैं या फिर इस दोस्ती को पूरी तरह से टूटता हुआ देख रहे हैं? क्या ये देख रहे हैं कि वक्त लगे लेकिन ये दोस्ती टूटने ही वाली है, या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं अभिषेक जी, अब तो लगता नहीं है कि अब ये दोस्ती ठीक होने वाली है, ठीक होने की गुंजाइश अब बची नहीं है। और जिस तरह वो अब मंत्रियों पर भी प्रतिबंध लगाने लगा है कि लॉकडाउन में कहीं ना नहीं जाना है या उससे, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, और बीजेपी खुद उन एनडीए के नेता ही उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रधान मुख्यमंत्री जी के जो लिया गया है निर्णय उस पर अब कुछ ठीक होने के आसार नहीं लगते हैं। अब या बिहार की सरकार, हमारे ख्याल से अब लगता है बिहार की सरकार कुछ महीनों की मेहमान है या कुछ दिनों की मेहमान है। चलिए संजय जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए हमने कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है, बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है और उससे पनपे हुए जो कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपके जरिए हमने तलाशने की कोशिश की है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम आमंत्रण आपको अगले वीडियो के लिए, एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे अगले वीडियो में, इस पूरे पूरी बातचीत में, इस पूरी पूरे वर्चुअल डिबेट